किताब कॉपी छोड़ छात्रों ने थामी बीन और भैंस के आगे लगे बजाने। बीएचयू में विरोध की वजह है बेहद खास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जारी है। स्टूडेंट यूनियन फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीएचयू इकाई ने भी फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने बीन बजाकर अपना विरोध जताया। दरअसल फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर बीएचयू के छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध किया। विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के इस अनोखे विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। इस वायरल वीडियो में छात्र फीस वृद्धि को लेकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कई छात्र भैंस के आगे बीन बजाकर फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी भी कर रहे थे। छात्रों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर भी अपना अपना विरोध दर्ज कराया। भैंस पर बाकायदा बीएचयू कुलपति लिखकर छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई। कुलपति लिखे भैंस के आगे छात्र बीन बजाते हुए दिखाई दिए। छात्रों के मुताबिक भैंस के आगे बीन बजाते रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही विश्वविद्यालय में भी चारों तरफ छात्र अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं, मगर छात्रों के विरोध का कुलपति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। एक तरफ फीस वृद्धि को लेकर बीएचयू के छात्रों का विरोध जारी है, दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को बीएचयू के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से फीस वृद्धि से जुड़ी जानकारियों को लेकर किया गया ट्वीट भी वायरल है। दरअसल 14 अक्टूबर को बीएचयू की तरफ से फीस वृद्धि को लेकर कई ट्वीट किए गए थे। पहले ट्वीट में लिखा गया था कि बीएचयू प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि फीस वृद्धि की गई है। ये दावे निराधार हैं। विश्वविद्यालय ने किसी भी छात्र की फीस में कोई वृद्धि नहीं की है। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया है कि जहां तक फीस और हॉस्टल के शुल्क में वृद्धि का सवाल है, ये नया फैसला नहीं है। कुछ मदों में आंशिक वृद्धि का फैसला शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से पहले लिया गया था। प्रस्तावित वृद्धि 2022-23 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए है। वर्तमान छात्रों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों के फीस में थोड़ी वृद्धि की गई है, जबकि अन्य छात्र इससे प्रभावित नहीं होंगे। एक तरफ बीएचयू ने ट्वीट करके फीस वृद्धि पर अपनी स्थिति साफ की है, दूसरी तरफ छात्र संगठनों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में 18 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि फीस वृद्धि पर विश्वविद्यालय प्रबंधन झूठ बोल रहा है। अगर फीस वृद्धि पर जल्द फैसला नहीं आता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएचयू मैनेजमेंट ने फीस वृद्धि पर अपना रुख साफ किया है, लेकिन छात्रों का भी विरोध जारी है और छात्र विरोध के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।